नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम सुनकस भैया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसानों को तमाम वो जानकारी देते हैं जो उनके लिए उनकी फसल के उत्पादन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में भी अब बहुत आयत पे अगर हम देखते हैं तो मटर की खेती किसान करने लगे हैं, फिर भी मटर की खेती को लेकर क्या संभावनाएं हैं और क्या कुछ जानकारी किसानों को होनी चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम सुनकस भैया। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक अमित दीक्षित। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, किसान काफी उन्नत खेती आजकल लेने लगे हैं अमित जी। ऐसे में जब हम मटर की खेती के बारे में चर्चा करते हैं तो मटर की खेती के जैसे जलवायु और भूमि चाहिए होती है, क्या हम छत्तीसगढ़ में वो उपलब्ध करा पा रहे हैं या हमारे पास? बिल्कुल 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 करा पा रहे हैं। थोड़ा सा क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो खेती है वो ठंड के समय में होती है, अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और थोड़ा सा बलुई दोमट जमीन जो हल्की भुरभुरी हो और जहाँ पे पानी ना भरता हो, ऐसी ज़मीन बहुत अच्छी है मटर की खेती के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जलवायु और भूमि दोनों ही बहुत अच्छी है मटर की खेती के लिए। फिर भी अगर हम छत्तीसगढ़ को पूरे अलग अलग जोन में बांटते हैं तो चूंकि हमारे पास में पहाड़ी इलाके भी हैं और पहाड़ी इलाके भी हमारे पास में हैं, सरगुजा या अंबिकापुर साइड हम देखते हैं, तो ऐसे में कौन से इलाका इसके लिए ज़्यादा मुफीद है और वहाँ के किसान इसको बहुत आयत में ले रहे हैं? हाँ, इसकी खेती तो कहते हैं प्लेन में भी हो रही है, लेकिन यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती लंबे समय तक ले सकते हैं। और ये आप माने कि अभी जो मटर आ रही है मार्केट में, थोड़ी सी मिठास जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मटर उगती है उसमें रहती है। अच्छा, जलवायु के आधार पर भी क्या मटर की किस्मों की मिठास या उसका जो रूखापन है वो भी मायने रखता है? नहीं, उतना माने सभी जगह पर किस्में अलग अलग ली जाती हैं? नहीं, किस्में कहते हैं जो कॉमन किस्में हैं वो ही ली जाती हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अर्ली और मध्यम इस टाइप का उसको क्लासिफाई किया गया है, उसको बांटा गया है। कुछ मटर बहुत जल्दी आ जाती है, देखा होगा कि दिवाली के आसपास कुछ मटर आने शुरू हो जाती है, वो अर्ली ग्रुप में आती हैं। और कुछ मटर जो अभी आ रही है जो मार्च तक आएगी, होली तक मटर आपको मिलेगी, वो मध्यम और लेट जो किस्में हैं उसमें उसको रखा गया है। अच्छा, मटर हम देखते हैं कि अब हमको 12 महीने मिलती है, या तो कुछ तो फ्रोजन मटर के रूप में हम देखते हैं जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन क्या खेती के लिहाज से किसान 12 महीने पर मटर का उत्पादन ले सकते हैं? नहीं, मटर का उत्पादन सिर्फ कहते हैं अक्टूबर से मार्च तक लेता है। और कुछ पहाड़ी क्षेत्र मतलब जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल का जो एरिया है उसमें वो जून जुलाई में भी लेता है, जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। बाकी मटर की खेती सिर्फ इतने महीनों में की जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन जो मटर आप बात कर रही हैं वो अपने को साल भर उपलब्ध होती है, वो फ्रोजन मटर कहलाती है, जो कि प्रिजर्व करके रखी जाती है। अच्छा, इसकी तैयारी पर हम बात करते हैं, चूंकि अब तो हम देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में और तमाम वैरायटी के साथ में मटर हमारे पास में उपलब्ध है, तो खेती के लिए जो तैयार करते हैं किसान मटर की खेती के लिए, उनको किस समय से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और तैयारी में क्या खास सावधानी रखनी चाहिए? इसका क्या है कि बीज थोड़ा बड़ा होता है तो इसमें अपने को नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन इसका जब अपन खेत में जब इसकी बुआई करते हैं तो थोड़ा सा खेत जो है अच्छा होना चाहिए, बारीक भुरभुरा होना चाहिए। एक बार गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 बार जो है हैरो चला के कल्टीवेटर चला के उसको भुरभुरा बना लें और सीधा उसको जमीन में अपन मटर लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो सीधे मटर हम लगा रहे हैं, क्योंकि नर्सरी तैयार किए बिना हम सीधे पौधे पे खेती करेंगे, ऐसे में जब मिट्टी तैयार करते हैं तो क्या उसी समय पर हमें खाद या कीटनाशक इस तरह चीजों का मिश्रण किसान तैयार करता है या फसल के साथ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या है कि जब अपन खेती तैयारी कर रहे हैं उसके बाद अपने को जमीन में ही ऐसी दवाओं का प्रयोग कर देना चाहिए जो बीज द्वारा जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और जो जमीन के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो रह जाते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उस समय अपने को सॉइल का भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इसके लिए फॉस्फोमिडॉन या फॉस्फोक्लोराइड करके जो वो है दवाई, उसको अपने को 6 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिट्टी तैयार करते समय ही डाल देना चाहिए। और जहाँ खाद की बात है वो ध्यान रखेंगे कि जो गोबर खाद है वो खेत की तैयारी के समय ही अपने को डालना है।
अच्छा, जैसा कि आपने कीटनाशक का भी इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी, उर्वरक की भी क्या जरूरत होती है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सॉइल कार्ड आ चुका है हमारे पास में, हमें हमें पता है कि हमारी भूमि की क्या उत्पादकता में कमी है या क्या नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम साथ में करते चलें तो उत्पादन लगता है अच्छा होगा इसमें? हाँ, बीज का ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन जहाँ तक खाद की बात है, सॉइल कार्ड के हिसाब से अपने को ये पता चल जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की स्थिति खेत में कैसी है, उसके हिसाब से अपन खाद का चुनाव करते हैं या मात्रा का चुनाव करते हैं। लेकिन तो भी अपने को तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास खेत में डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब ये तो मुख्य तैयारी हो गई जो किसान को बीज लगाने से पहले या साथ साथ कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात होती है कि किसान जो है वो मार्केट रेट चाहता है या उसको उत्पादन की लागत और मुनाफा दोनों ही चाहिए होता है, तो क्या कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें उत्पादन या दाने जो होते हैं, हम मार्केट में कई बार देखते हैं कि कुछ मटर दिखने में बड़ी खूबसूरत है और हेल्दी है लेकिन दाने या बीज उस पे नहीं होते हैं, तो क्या अलग अलग किस्में हैं और हैं तो कितने प्रकार की किस्में हैं छत्तीसगढ़ में? हाँ, किस्में तो पूरे भारत में बहुत हैं। कुछ किस्में ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ में बहुतायत में अपन लगा रहे हैं, जैसे अर्का सीरीज की जितनी किस्में हैं जो IHR बेंगलोर, हमारे हॉर्टिकल्चर का जो रिसर्च स्टेशन है वहाँ से निकली हुई है, जैसे अर्का पुनीत है और उसके बाद साल्विया है, उसके बाद हिसार की वैरायटी है 1, 2, 3 सीरीज में, जवाहर मटर है, ये किस्में बहुत अच्छी हैं, इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा एक आर्किल वैरायटी है जो आई तो USA से थी परंतु अब जो है पूरे इंडिया में छा गई है, बहुत पुरानी वैरायटी होने के बावजूद अपने को उत्पादन बहुत अच्छा देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि कई इलाके, कई ग्रामीण इलाके आज भी हमारे पास में ऐसे हैं जहाँ पर जल की उपलब्धता सिंचाई के लिहाज से कई बार हम देखते हैं कि कम होती है, ऐसे में इसमें जो जल प्रबंधन होगा, सिंचाई की जो व्यवस्था होगी मटर की खेती के लिए, वो किस तरीके से की जाती है और कितनी ज़रूरत होती है? मटर की खेती के लिए जलवायु, पानी की आवश्यकता जो है वो बहुत कम होती है। जब अपन खेत में बुआई करते हैं तो तुरंत सिंचाई न करके 3 दिन बाद पहली सिंचाई देना चाहिए और 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करना चाहिए और टोटल पूरे लाइफ साइकिल में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, क्या इसमें ड्रिप इरिगेशन पे भी जाता है किसान? ड्रिप के द्वारा मटर को तो नहीं लगाते क्योंकि बहुत पास पास इसकी दूरी रहती है। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, जो बौछारी विधि द्वारा जो खेत में अपन पानी डालते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। चूंकि ठंड के मौसम में इसकी खेती होती है जैसा कि आप बता रहे हैं सभी जगहों पर, तो ठंड का मौसम कोहरे वाला है, धुंध वाला है, बहुत ज्यादा कई बार धूप भी नहीं आती है, ऐसे में जो कीटों का प्रकोप होता है रुप साहब वो किस तरीके का होता है? और कई बार हम देखते हैं कि फली स्वस्थ है लेकिन उसके अंदर में काफी इल्लियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं, तो इसको फिर किसान कैसे बाहर आए समस्या? इसमें मटर में क्या है कि एक एफिड और एक पॉट बोरर, जो आपने बात की कि फली तो अच्छी दिख रही है लेकिन जब छीलते हैं तो अंदर इल्लियाँ रहती हैं, तो पॉट बोरर का प्रकोप और एफिड, ये दो कीट जो है बहुत ही ज़्यादा मटर में नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और हल्का सा कभी कभार क्या होता है कि वातावरण में बादल आ जाते हैं, बादल आते हैं, तो उस समय एफिड का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने को उस समय एक बार दवाई डालना पड़ेगा। तो क्या किसान, क्या कुछ पहचान ऐसी होती है जिसके आधार पर किसान दवाइयों का छिड़काव करते हैं या फिर वो नियम ही है कि इतने समय के बाद में दवाई? नहीं नहीं, कहते हैं जैसे पत्तियों में रस चूसने वाला कीड़ा लगेगा फिर तो अपने को दिख जाएगा, और फलियों में भी कहते हैं पॉट बोरर जब आता है तो पता चल जाता है, तो उस समय स्प्रे कर सकते हैं। और पॉट बोरर जो है इल्लियाँ अपना अंडा जो है वो फ्लावरिंग स्टेज में जब फूल आते हैं मटर में तब डालता है, तो उस समय अगर एक बार दवाई डाल दें तो अच्छा है, बाकी नीम युक्त दवाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप पे भी जा सकते। बिल्कुल डॉक्टर अमित, अगर हम देखते हैं मटर की खेती को, चूंकि हर सब्जियों में मटर डाली जाती है और मटर को काफी पसंद किया जाता है, ऐसे में जो इसका पूरा प्रबंधन होता है यानी कि पूरा खेत से लेकर जब हम मार्केट तक उपलब्ध करवाते हैं, तो इस समय भी क्या कुछ सावधानी की जरूरत होती है? क्योंकि कई बार फलियों को निकाल कर आपको मार्केट तक पहुंचाने में वक्त लग जाता है, सही समय जो प्रबंधन होता है उसको कैसे करें किसान? नहीं, क्या है कि जब अपन ने खेत में मटर को लगा दिया उसके बाद उसका प्रबंधन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खेत में तैयारी में आपने खर्चा कर लिया, खाद डाल दिया, आपने बीजा डाल दिया, उसका तो उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन अपन नहीं करेंगे तो किसान भाइयों को उतनी आय नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। उसके लिए अपने को 30 दिन बाद जब आप बीजा खेत में लगाते हैं तो उसके 30 दिन बाद एक निराई गुड़ाई जो बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा कि जमीन जो है हल्की हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी और उसके बाद उसमें और अच्छी ग्रोथ होगी। उस समय अपन नाइट्रोजन यूरिया के रूप में
अपने को समय डालना चाहिए। अच्छा, ये 30 दिन के बाद वाली? 30 दिन के बाद। और उसके बाद पानी अपन दें, और विशेष ध्यान और रखना है कि जब फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है तब किसान भाइयों को चाहिए कि पानी का अवश्य प्रयोग करें। अच्छा, क्योंकि फल कभी लगेंगे जब फूल अच्छे रहेंगे, और अगर पानी नहीं डालेंगे तो फूल जो है झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखना है अपने को। उसी समय आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा खेत में जा जाके कि कहीं कीड़े के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी इल्लियां हैं सब उसी में अंडे देंगी, तो वो। अच्छा, ये फूलों वाली जो अवस्था होती है डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इसी समय पर अगर प्रकोप हो रहा है और यहाँ पर ही किसान थोड़ा सा जागरूक है तो वो अपना फसल उत्पादन बढ़ा सकता है? बिल्कुल। उसके बाद आपको ये मान लीजिए कि अपन 90% अपन उत्पादन बचा चुके हैं। अच्छा, चूंकि पौधे जैसे कि आपने बताया काफी नजदीक नजदीक पौधे होते हैं, कई बार ये होता है कि किसान जो तोड़ने वाली स्थिति होती है तो तोड़ने से पहले क्या कुछ ऐसा समय सीमा है कि मान लीजिए 30 दिन के बाद जैसे आपने कहा था फलियां आ गई हैं, तो कितने दिनों के बाद इसको फसल को तोड़ लिया जाता है, ये बीज के हिसाब से या मार्केट लेने के हिसाब से? क्या होता है कि जब फलियां पकना शुरू होती है ना तो हल्का सा चटकना शुरू हो जाती है, कुछ कुछ चटक के कहते हैं बीजा गिरना शुरू हो जाते हैं, तो अब ये मान लीजिए कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दे 55 से 60 दिन बाद। अच्छा, लगाने के 55 से 60 दिन बाद तुड़ाई के लिए फसल तैयार हो जाती है। और जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो प्रयोग हो रहे हैं तो सीड प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा ले रहे हैं, वो 60 दिन बाद जब फलियां जो है पकना शुरू हो जाती है तब काटें। अच्छा, मतलब अगर आपके बीज प्रबंधन पे जा रहे हैं तो आपको 60 दिन के बाद जब थोड़ी सूखने वाली स्थिति में तब आप उगाएं। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं कि सब्जियों में बहुत आयत में उसको प्रयोग किया जाता है, और जो मीठी मटर होती है उसे लोग पसंद भी करते हैं, तो इसके लिए भी तोड़ने का कोई समय है कि इस समय पर अगर तोड़कर आप मार्केट में बेचते हैं तो उसका रेट ज्यादा मिलता है? बिल्कुल, क्या है कि थोड़ी सी कच्ची अवस्था रहेगी तो आपको मिठास ज़्यादा मिलेगी और मार्केट रेट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे पकती जाएगी मिठास कम होती जाएगी और मार्केट रेट जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए हल्की सी कच्ची अवस्था में ही फलियों को तोड़ना शुरू कर देना चाहिए। और तोड़ते समय किसान भाई ध्यान रखे कि फलियों को जब तोड़े तो धीरे से, क्योंकि अगर जोर से वो उखाड़ेगा तो पौधा भी साथ आ जाएगा। अच्छा, पौधा उखड़ने के साथ ही मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि एक बार जब किसान ने फली तोड़ ली तो क्या उसमें दोबारा उम्मीद रहती है कि अब उस पौधे में दोबारा फिर से फली लगेगी? नहीं, जो फली अपन ने तोड़ी उसमें फली तो नहीं आएगी, लेकिन ये प्रोसेस है कि फ्लावरिंग आती रहती है जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, बढ़ती रहती है, उम्मीद रहती है, उम्मीद रहती है। अभी आप ये मानना है कि 14 जनवरी तक ठंड ज्यादा रहती है तो उस समय फ्लावरिंग जो है आती रहती है, फलियां बनती रहती हैं, लेकिन जहां से फली आपने तोड़ी वो फली तो नहीं आएगी, उस पौधे में आगे ग्रोथ होकर उसमें आ सकती है। डॉक्टर साहब, मटर की खेती को चूंकि ठंडा मौसम चाहिए जिसमें इसका उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन वही जब मटर को आप ले जाके अपने घर में फ्रिज में रखते हैं तो आप देखिए बहुत जल्दी वो सड़ने लगती है, आपको लगता है कि इसका रखरखाव या इसका भंडारण भी एक चुनौती है किसान के लिए? बिल्कुल चुनौती है, और क्या है कि फलियां तुरंत बिक जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे समय बीतता है तो मिठास कम होती जाती है, सूखना शुरू हो जाती है, तो किसान भाइयों को रेट नहीं मिलता। अच्छा, तो ऐसे में किसान जो कि बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब सरगुजा साइड में बड़े पैमाने पर होती है, तो व्यावसायिक स्तर पर जब होता है इसका प्लान, तो क्या कुछ सारी जो चेन है वो तैयार की जाती है कि हाँ इस खेती से इतना उत्पादन होगा और इसकी खपत यहाँ पर होगी? क्योंकि अगर ये प्लानिंग नहीं होगी तो आपको लगता है ना किसान को नुकसान होगा। बिल्कुल, तो ये जरूरी है कि आप अपनी फसल लगाने के साथ साथ पूरा प्रबंधन करते चले, इसके लिए क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? इसके लिए यह है कि जैसे किसान भाई कहते हैं अपने एरिया में लगा रहा है मटर 100 एकड़ में 200 एकड़ में, उसके पहले ही वो अपना कर लेता है कि मार्केट में कहाँ बेचना है। जनरली क्या है कि छत्तीसगढ़ में तो बिक जाता है, थोड़ा सा MP में जो माल है मटर जो है वो थोड़ा अर्ली आती है। अच्छा, तो वो जल्दी मार्केट में जल्दी आ जाती है तो वो जल्दी बिक जाती है, बाद में किसान भाइयों को मटर नहीं मिल पाती तो छत्तीसगढ़ का माल MP में भी जाता है और वहाँ पे वो मंडी में बेचता है। अच्छा, इसके लिए कोई प्रॉपर चेन ऐसी बनी हुई है कि मान लीजिए किसान के पास में ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो ज्यादा देर तो हम इसको रख नहीं सकते जैसा आपने बताया, तो इसको सही तरीके से अगर बिक जाए तो उसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट का कोई तरीका है या कृषि विश्वविद्यालय इसमें मदद करता है या कैसे जागरूकता के लिहाज से काम? नहीं, अभी इस टाइप का कोई मार्केट चेन तो नहीं है, बस इतना है कि जो किसान भाई मटर लगा रहे हैं तो हम उनको यही राय देते हैं कि अगर वो फली में नहीं बिक पाई तो आप उसको सूखने दीजिए और अगले साल उसको बीजे के रूप में इस्तेमाल करें। अच्छा, मतलब नुकसान नहीं होता? नहीं, नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है कि छोटे लेवल में
फ्रोजन मटर तो नहीं, सूखी मटर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में अब ये भी संभावना है जिस तरीके से मटर का उत्पादन हो रहा है कि आगे चल के मटर को फ्रोजन किया जा सके या इस तरीके से इसको पैकेट में बंद करके मार्केट में लाया जा सके, उसके एक यूनिट की भी यहाँ पर जरूरत महसूस की जा रही है, या ऐसा हो तो किसानों के लिहाज से और अच्छा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा होगा और अच्छा रेट भी मिलेगा, क्योंकि फ्रोजन मटर का जो रेट है वो 3 गुना ज्यादा है, जबकि मटर में इतनी कॉस्ट आती नहीं। तो इसका अगर छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी खुल जाए, व्यवस्था बन जाए, तो किसान भाइयों को अच्छा रेट मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि रोग प्रबंधन पर हम चर्चा कर रहे थे, इसमें बहुत ज्यादा बीमारी किस तरीके की लगती है? एक तो इल्ली का जिक्र मैंने किया ही था, आपको लगता है कि कोई और ऐसा प्रकोप होता है जिससे फसल नुकसान हो सकती है, खड़ी फसल? बिल्कुल, कहते हैं मटर में एक कॉमन बीमारी है जो सबसे ज्यादा लगती है, वो है पाउडरी मिल्डो। देखा होगा कि फली में और पत्तों में सफेद चूनी जैसा दिखता है। सफेद सफेद, बिल्कुल। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका प्रकोप अब बढ़ेगा, और हम मानते हैं कि जनवरी लास्ट से फरवरी फर्स्ट वीक में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये बीमारी बहुत ज्यादा घातक है और बहुत ज्यादा नुकसान करती है फलियों को, क्योंकि फलियां पूरी सफेद हो जाती हैं और धीरे धीरे सूख जाती हैं। और इसके लिए फिर जो दवा, इसके लिए क्या है, सल्फर बहुत सस्ती दवा है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में हम बोलते हैं, तो एक स्प्रेयर में करीब अपना 40 से 50 ग्राम इसका स्प्रे करना चाहिए। अच्छा, ये जो हम दवा छिड़काव करते हैं, चूंकि ये फली के अंदर कवर्ड होती है मटर, तो आपको लगता है कि ज्यादा हार्मफुल नहीं होते दवा? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, तो मटर सुरक्षित होती है। मटर सुरक्षित रहती है, और जो सल्फर जो दवा है इसका बाद में असर खत्म हो जाता है, 2 से 3 दिन बाद आप फली तोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान इसको हर व्यवसायिक स्तर पर अगर हर किसान करना चाहे तो इसका प्रबंधन कब से उसको अपनी खेती की तरफ से करना चाहिए, कौन सा ऐसा महीना है जब वो अपनी तैयारी इस पे कर ले पूरे तरीके से? छत्तीसगढ़ में इसका बहुत अच्छा कहते हैं रिस्पांस मिल रहा है और बहुत अच्छी खेती है, और छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को चाहिए कि अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती होती है, और करीब अपना सितंबर अगस्त सितंबर में इसकी खेत की तैयारी कर ले और मटर की बुआई करे। कुछ किस्में ऐसी आ गई हैं जो पाउडरी मिल्डो सबसे ज़्यादा जो नुकसान मैंने आपको बताया, और एफिड इसका भी रेजिस्टेंट जो असर नहीं होगा। अच्छा, तो ये IIHR बेंगलोर से जो निकली है, हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर का, वहाँ से अर्का जीत करके जो किस्म है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इसको लगाने से किसान भाइयों को पाउडरी मिल्डो और एफिड जो बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है वो नहीं होगी। अच्छा, ये जो रोग प्रतिरोधी किस पे आपने बताया डॉक्टर साहब, आपको लगता है किसान कोई संपर्क करना चाहे तो इसके लिए क्या कृषि विश्वविद्यालय से वो संपर्क कर सकते हैं, या इसको व्यावसायिक स्तर पर करने के लिए ये किस्में जो हैं और इसके जो बीज हैं वो क्या प्रबंध करवा सकते हैं? हाँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सब्जी विज्ञान विभाग में आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि कौन कौन सी किस्म मटर के लिए अच्छी है और कौन सी बीमारी या कौन से कीड़े के लिए प्रतिरोधी है। क्या कुछ और इस तरीके से रिसर्च हो रहा है समय के साथ साथ कि और कुछ ऐसी किस्में हो, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ठंड अच्छी पड़ रही है लेकिन हमेशा बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो ऐसे में ठंड के जो सीजन की किस्में हैं वो और ज्यादा किसानों को मिल सकेगी? बिल्कुल मिल सकेगी, और कुछ ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी भी, जैसे पानी की जहाँ पे सुविधा बहुत कम है वो किस्में भी अभी इसमें काम चल रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तो नहीं, लेकिन जो और दूसरे रिसर्च स्टेशन है जो इंडिया लेवल के, वहाँ पे काम चल रहा है, और ये किस्में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि सीड प्रोडक्शन का काम जो है वो सब्जी विज्ञान विभाग करता है, तो खासकर मटर इसका सबसे ज़्यादा हम लोग पिछले 15 सालों से इसका बीज का उत्पादन कर रहे हैं, और यह आप मान लीजिए कि करीब 25 से 30 क्विंटल हम सब्जी का बीज मटर का किसानों को देते हैं। अच्छा, तो ये जो बीज आप लोग देते हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो उसमें क्या ये जो नई जो किस्में, जैसा आपने बताया कि रोग प्रतिरोधी जो किस्में हैं, उनका भी बीज आप लोग उत्पादन कर रहे होंगे? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बीज उत्पादन करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको प्राप्त होता है, अप्रूव करता है कि आपको ये वैरायटी लगानी है। अगर हमको किसान भाई जागरूक होगा और वो बोलेगा कि हमको मटर में और अच्छी अच्छी किस्में चाहिए तो हम प्रोवाइड करवाएंगे। सब्जी के लिहाज से छत्तीसगढ़ के किसानों की जागरूकता के लिहाज से आपको लगता है कि प्रचार प्रसार या जागरूकता की जरूरत और है कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करें और बहुत ज्यादा खेती, इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय की जो भूमिका है वो किस तरीके की, क्या इसमें अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, कहते हैं हम चाहते हैं कि नई नई किस्में और नई नई जानकारी किसानों को मिले, इसके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र जो जगह जगह हमने गवर्नमेंट ने बना रखे हैं उसके माध्यम से और विस्तार
किसी भी स्तर अधिकारियों के द्वारा या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो किसी भी विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके माध्यम से किसानों तक नई नई तकनीकें पहुंचाई जाती हैं। कई बार वो तकनीकें अगर किसान भाइयों को नहीं भी मिलती है तो बीच बीच में किसान मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, उसमें वो आकर जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो छत्तीसगढ़ में भी मटर की खेती की अपार संभावनाएं और छत्तीसगढ़ के किसान बहुतायत में इसका उत्पादन ले भी रहे हैं, लेकिन जरूरत होती है कि समय समय पर आप जागरूक रहें, कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें ताकि नई जो किस्में आ रही हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी हो और ज्यादा से ज्यादा आपको मुनाफा हो सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।